नहीं कर सकता, ताकि कुछ हम देखेंगे कि उसका अब एटीट्यूड क्या है, वो बैठी हुई है, वो रो रही है, अब वहां से जो है वो एक सेल्फ जो है वो उठता है, उसको नोम कहते हैं, और वो जाता है कि वो गॉडेस ऑफ स्प्लीन के पास। गॉडेस ऑफ स्प्लीन जो है वो केव ऑफ स्प्लीन में बैठी है। केव ऑफ स्प्लीन एक ऐसी जगह है जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है, जहाँ पे खुशी की कोई लहर दौड़ती नहीं है। वो जो स्प्लीन है, गॉडेस ऑफ स्प्लीन है, उसके इर्द गिर्द आहें और नाशुक्री और सॉब्स एंड साइज, ये सब उसके इर्द गिर्द है। एंग्जाइटी है, मिग्रेन पेशेंट्स हैं, इस तरह की खवातीन जो हैं, और डिप्रेस्ड खवातीन की एक केव ऑफ स्प्लीन इस तरह की खवातीन से भरी हुई है। कुछ के कहीं दर्द है, कुछ सर पकड़ के बैठी हुई है, कुछ सर पे पटका बांध के बैठी हुई है, मतलब इस तरह की कुछ खवातीन है जो केव ऑफ स्प्लीन में से है। अब वो जो सिर्फ नोम जाता है ना कि वो गॉडेस ऑफ स्प्लीन के पास, क्योंकि अभी तक जो है ना बेलिंडा चीखी नहीं है, बेलिंडा जो है अभी तक उसने कुछ गालियां शालियां नहीं दी, तो वो जो नोम होता है ना वो जाके कहता है गॉडेस ऑफ स्प्लीन को कि जी वो जो बेलिंडा है ना उसने तो अभी तक इस तरह का कुछ किया नहीं, इट मींस कि उसने आपका इनकार कर दिया। वो गॉडेस ऑफ स्प्लीन कहती है अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ये बैग ले लो, उसके ऊपर उल्टा देना, तो तुम्हारा मतलब वो खुद ही से बोल पड़ेगी ना। तो फाइनली वो जो नोम होता है वो उस गॉडेस ऑफ स्प्लीन से वो बैग लेता है जिसके अंदर सॉफ्ट और साय भरी हुई होती है, जिसके अंदर आहें और दर्दें और ये सारा कुछ भरा हुआ होता है, क्योंकि बेलिंडा ने अभी तक ऐसा कोई एक्ट नहीं किया होता। अभी तक वो वही एरिस्टोक्रेटिक खातून बन के बैठी हुई होती है और बस वो इसी सोच बचार में रो रही होती है। एंड फाइनली वो जो नोम होता है उसके ऊपर जाके पूरा बैग मिटा देता है, और फाइनली फिर पता चलता है कि बेलिंडा की भी जो जबान है ना वो चलना शुरू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कैंटो 4 हम स्टार्ट करते हैं। बट एनेक्सियस गियर द पैसेज लाइन नंबर 469। बट एनेक्सियस गियर द पैसेज नेम ऑब्रेस्ट। एनेक्सियस गियर यानी कि बर्डेड थॉट, पैसेज कहते हैं सोच में डूबा हुआ, नेम बेलिंडा, ऑब्रेस्ट कहते हैं लैकिंग इनर काम। ठीक है, अब बर्डेड थॉट्स जो हैं वो निम्फ की यानी कि बेलिंडा जो कि सोच में डूबी हुई है, पैंसिव निम्फ, ऐसी निम्फ जो कि सोच में डूबी हुई है, उसको अंदर का इनर काम जो है उसको खत्म कर रही है। वो जो बर्डेड थॉट्स हैं कि जी मेरी तो लट कट गई है, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एंड सीक्रेट पैशन लेबर्ड इन हर ब्रेस्ट, और वो जो सीक्रेट पैशन है वो उसके ब्रेस्ट में घर कर गए हैं, यानी कि वो अब उसके दिल में वो जो सीक्रेट पैशंस हैं वो वसवसे हैं, कुछ इस तरह की थॉट्स हैं, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी और एम्बिवलेंट जो उसकी थॉट्स हैं वो उसके अंदर जो है वरीज और एंग्जाइटी वो सब उसके ब्रेस्ट के अंदर घर कर गई है। नॉट यूजफुल किंग्स इन बैटल सीज द लाइफ। कभी शायद ही कोई किंग्स जो हैं मतलब इतने ऑप्रेस्ड तो शायद ही कोई किंग भी हो जितनी कि इस वक्त बेलिंडा बैठी हुई है, कि शायद ही कोई किंग जो है वो जब बैटल में कैप्चर्ड हो जाता है, जब उसको गुलाम बना लिया जाता है, तो शायद ही कोई किंग इतना गमजदा हुआ हो। नॉट स्कॉर्नफुल वर्जन्स हु देयर चार्म सर्वाइव, ना ही कोई स्कॉर्नफुल वर्जन है ऐसी होगी जो कि कंटिन्यू टू स्कॉर्न मैन लॉन्ग आफ्टर देयर चार्म्स हैव फेडेड। नॉट आर्डेंट लवर्स लॉस्ट ऑल ऑफ ऑल देयर ब्लिस, ना ही कभी आर्डेंट यानी कि पैशनेट लवर जो है जिनको who have been deep deprived of consummation of love, not even added ladies, who's यानी मतलब यहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे ardent lovers यानी कि ऐसे passionate lovers जिनको अभी तक जो है उनकी love ने कोई answer नहीं किया, अभी तक वो passionate जो lovers हैं वो जो है अभी तक शायद उनके अंदर इतनी कंफर्मेशन ऑफ लव की वजह से शायद वो इतने डिसअपॉइंट ना हुए हो जितना कि बेलिंडा हो गई है। नॉट एंशिएंट लेडीज व्हेन रिफ्यूज्ड अ किस, ना ही वो पुरानी औरतें whose yearning for the kiss has remained devoted, not tyrants fight that unrepenting Die, ना ही ऐसे टायरेंट्स जो है वो इतने गुस्से में आए हों that unrepenting die without repenting, जो कि without repented जो है वो die हो गए हों, बगैर repent के वो मर गए हों। Not Cynthia when her momentum went away. Cynthia basically goddess of moon को कहा जाता है, moon goddess को कहा जाता है, ये नेम है कि जब उसके मेंटू पिंड अवे, मेंटू कहते हैं उसका वो जो चोगा है ना पिंड अवे, यानी कि ये कल्यूजन है कि उसका वो जो चोगा है वो पिंड अवे हो गया, दूर हो गया, यानी कि उसको उतार दिया गया। एवर फेल्ट सच डेट, शायद ही कभी उसको इतना गुस्सा आया हो, रिसेंटमेंट एंड डिस्पेयर, या उसके अंदर कोई रिसेंटमेंट हुई हो या कोई डिस्पेयर हुआ हो। एज द सैड वर्जन, अब वो कहता है कि एज द सैड वर्जन, कि अब ये जो सैड वर्जन है बेलिंडा है फॉर दाई अनरेविश टेयर, इतना तो शायद ही कोई गमजदा हुआ हो फॉर दाई अनरेविश टेयर, जितना कि बेलिंडा एज बेलिंडा फेल्ट फॉर द रेप ऑफ हर टेयर। बेटा एक मिनट होल्ड कीजिएगा। स्पिरिट है यानी कि हर वक्त आहों से सिसकियों वाला, ये कोई स्पिरिट है, यानी कि ये कैसी औरत का स्पिरिट है जो कि हर वक्त आहों और सिसकियों से भरी हुई थी और वो मरने के बाद जो है अम्ब्रेल बन गई। As ever salute the fair face of light, और ये जो है spoil कर देता है। salute कहते हैं spoil करना, या किसी white चीज के ऊपर black कलर का धब्बा डाल देना, या mark dirt big blot, ठीक है, या वो make dirt big blot, या किसी चीज को dirty कर देता है या बड़ा सा blot बना देता है, उसको कहते हैं कि salute। salute the fair face of light, और ये जो है fair face of light के ऊपर एक धब्बा है down to the central earth। अब ये कहाँ जाता है? ये underground world के अंदर जाता है। his proper scene, जो कि उसका proper scene है, वहाँ पे वो बकायदा उस wide view of land में जाता है। prepare to search the gloomy cave of Spleen, और वो वहाँ पे क्या search करने जाता है? gloomy cave of Spleen है। वो prepare to search the gloomy cave of Spleen, कि वो अब बेलिंडा को कैसे repair करे, और वो ये सारे मसले का हल ढूंढने के लिए के वो स्प्लीन के पास जाता है। तो on his shooty pinions flits the gnome, अब ये जो स्विफ्ट कहते हैं उड़ने को, तेज प्रवास को, क्विक स्पीडी, ठीक है, on his shooty pinions, ठीक है, अपने shooty कहते हैं डार्क, pinions कहते हैं विंग्स को, flits कहते हैं fast speed, the gnome, ठीक है। अब ये जो gnome है, ये जो फरिश्ता है, सॉरी ये जो स्पिरिट है, ये जो है बड़े अपने डार्क विंग्स के ऊपर तेजी से मूव करता है या उड़ना शुरू कर देता है। एंड इन अ वेपर रीच द डिस्मल डूम, और ये डिस्मल डूम यानी कि डिप्रेसिंग प्लेस के ऊपर आखिरकार एक वेपर की फॉर्म में पहुंच जाता है। नो चेयरफुल ब्रीज दिस सलन रीजन, नो कोई भी चेयरफुल ब्रीज जो है इस सलन रीजन में, यानी कि इस केव ऑफ स्प्लीन का बताया जा रहा है। अब उसकी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी कि इस सलन रीजन में आज तक शायद ही कोई चेयरफुल ब्रीज सुनी गई हो। and the dread east is all the wind that blows, और शायद ही कोई dread east जो है यानी कि dreaded east, यानी कि ये जो मशरिक से जो dreaded east wind है, जो बुरी गमजदा हवाएं हैं, वो इस केव ऑफ स्प्लीन में उठती हैं। मगरबी हवाएं जो होती है वो नमी वाली होती हैं, ठंडी हवाएं होती है। कूल ब्रीज को कहते हैं कि वो वेस्टर्न वाइड्स है, जबकि ईस्टर्न वाइड्स को क्या कहते हैं कि वो गमजदा होती हैं, गर्म होती हैं, डिप्रेसिंग होती हैं। तो इस वजह से इसको ब्रिटेन ईस्ट कहा गया, यानी कि ईस्ट वाइंड इस केव ऑफ स्प्लीन में चलती हैं। हियर इन अ ग्रोटो, ग्रोटो कहते हैं केव को, शेल्टर्ड क्लोज फ्रॉम एयर, जो कि जहाँ पे हवा, शेल्टर्ड क्लोज फ्रॉम एयर यानी कि हवा वहाँ पे आती नहीं है, हवा का एक झोंका भी उसके अंदर नहीं आता वो। एंड स्क्रीन इन शेड फ्रॉम डे डिटेस्ट ग्लेयर, और इसके अंदर ये स्क्रीन है, यानी कि इसके अंदर एक रोशनी का जो किरण है वो भी इसके अंदर नहीं आती। यहाँ पे दो वर्ड यूज हो रहे हैं, शेल्टर्ड क्लोज फ्रॉम एयर यानी कि वो टोटली क्लोज है, उसके अंदर हवा नहीं आती। दूसरा स्क्रीन इन शेड्स, यानी कि वो स्क्रीन है शेड्स के मुकाबले में, यानी कि वो हम कहते हैं ना कि ये अनब्रेकेबल है, और बाद हम इस तरह के कई वर्ड्स हैं कि जी ये इस तरह से नहीं हो सकता है, मतलब अनब्रेकेबल है। इसी तरह यहाँ पे स्क्रीन्ड इन शेड्स लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर ये शेड्स से भरी हुई है और उसके अंदर एक भी सूरज की किरण उसके अंदर नहीं आती। शी साई फॉरएवर ऑन हर फैंसी बेड, अब ये जो गॉडेस ऑफ स्प्लीन है ना, वो हर वक्त आहें भरती रहती है ऑन हर फैंसी बेड, मतलब औरतों की जो यहाँ दर्द वहाँ दर्द। तो ये बेसिकली उस मूड के ऊपर एक बहुत बड़ा सटायर है। और ये ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 18वीं सेंचुरी में होता था। अब कहने को हम ये कहते हैं कि लंदन एक ऐसी स्टेट है कि हम उसको समझते थे कि बड़ी लिखी है। एज अ पाकिस्तानी हम यही सोचते थे, पता नहीं लंदन की लाइफ कैसी होती है, अजीब सा नहीं लग रहा कि वो भी पाकिस्तानी लेडीज की तरह ही करती है। ठीक है, she sighed forever on her sunset bed, pain at her side, कि एक साइड पे उसके पेन है and migraine at her head। हाँ जी भाई अनम, migraine at her head क्या ख्याल है? ठीक है, Goddess of Spleen के बारे में। और उसके बाद क्या होता है, two handmaids wait the throne, two handmaids यानी कि दो maid servants जो है उसके थ्रोन के साइड पे खड़ी हुई होती हैं, alike in place, और वो उसी प्लेस के ऊपर इकट्ठी खड़ी हुई होती हैं, but different far in figure and face, लेकिन दोनों appearance और figure में texture में totally different है। Here stood ill nature like an ancient maid, एक जो है वो जो दो खवातीन हैं उनको बयान किया जा रहा है जो handmaids हैं यानी कि जो दो maid servants हैं। अब एक तो जो है one side of the goddess throne stand ill nature, ठीक है, एक साइड वाली तो टोटली ill nature को पोर्ट्रे कर रही है जो ancient maid है, like an old है yet unmarried, ठीक है, hair wrinkled from the black and white array, जो कि wrinkled है और black और white dress के अंदर array, कहते हैं dress up होना, किसी dress के अंदर dress up होना, ठीक है। तो जो एक जो है वो बिल्कुल ill nature है जो कि एक ancient maid है जिसके चेहरे पर wrinkles हैं और वो black और white dress के अंदर है, with store of prayers for mornings, nights and noon, और उसके अंदर बहुत ज्यादा store of prayers है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा बद्दुआएं हैं for morning, nights and noon, कि वो सुबह दोपहर शाम सिर्फ बद्दुआएं करती रहती है। वो ऐसी ill nature खातून है। बात होती है खवातीन, उनको जरा सा कुछ कहो, जो गली मोहल्ले वाली खवातीन होती है उनको जरा सा कुछ कहो तो वो गालियां देने लग जाती, छोटी छोटी बातों पे बदतुआएं शुरू हो जाती। बात माएं मैंने देखी हैं, वो छोटी छोटी बातों पे बच्चे को कहती है, मैंने ऐसी ऐसी माएं देखी हुई हैं, वो कहती हैं कि अल्लाह करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह करे यूं हो जाए, तुम यूं हो जाओ, तुम फलाने हो जाओ। मतलब मैं अजीब ऐसी खवातीन, मरने की बात है कि ये पाकिस्तानी खवातीन और ऐसी खवातीन लंदन में भी हैं, ठीक है। 18वीं सेंचुरी लंदन में भी ये सारे कारनामे होते हैं, वहाँ की भी खवातीन ऐसी ही हैं। और मैं जब तक इंग्लिश लिटरेचर मैंने नहीं पढ़ी थी तो मुझे लगता था कि शायद ये जो इंग्लिश पीपल है, ब्रिटिश लोग हैं, ये शायद बहुत ही ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो शायद इनके अंदर ये चीजें नहीं होती। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने रेप ऑफ द लॉक को पढ़ा कि अच्छा वहाँ पे भी ऐसे होता, ठीक है। With store of prayer for morning, nights and noon, her hand is filled, her bosom with lacoon, और उसके जो हाथ जो हैं वो हर वक्त उठे रहते हैं बदुआओं के लिए, और उसके जो bosom है यानी कि उसका जो हार्ट है, उसका जो सीना है, वो किससे लैम्पून यानी कि इंसल्टिंग सटायर से भरा रहता है, हर वक्त जो है ना वो तंज से भरा रहता है। लैम्पून कहते हैं तंज को, तानाजनी करना, ठीक है। Their affectation, और दूसरी तरफ कौन है, अफेक्टेशन है। अब ये दो खवातीन है, एक का नाम इल नेचर है, दूसरी का नाम अफेक्टेशन है। ये जो उसके वो स्प्लीन के गिर्द जो दूसरी खातून खड़ी थी ना, दूसरी मेड सर्वेंट, अब उसको बयान किया जा रहा है विद अ स्टिकी मेन। स्टिकी मेन कहते हैं कलरलेस अपीयरेंस की कोई मेन है उसके, थियर स्टिकी पेल अपीयरेंस, ठीक है। Shows in her cheek the roses of fading, ठीक है। अब उसके cheeks में है तो वो basically colorless appearance थी, लेकिन उस shows in her cheek the roses of fading, basically वो है तो उसकी appearance तो बड़ी pale और sickly है, लेकिन वो अपने cheeks के ऊपर artificial by some artificial means वो क्या करने की कोशिश करती है, rose color of 18 years। अक्सर खवातीन को आदत होती है ना, उम्रें उनकी ज्यादा होती हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम 18 साल की लगें, तो उसके लिए वो कुछ आर्टिफिशियल मीम्स इस्तेमाल करती हैं। ये उसको बताया जा रहा है प्रैक्टिस टू लिस्ट कहते हैं स्पीच को, और वो बड़े अंदाज से बातें करने की कोशिश करती हैं। हर चीज to lift and hang the head aside. और वो क्या करती है कि बड़े तरीके से बड़े नखरे से बोलने की कोशिश करती है और hang the head aside. आजकल वो देखें लड़कियां तस्वीरें खिंचवा रही होती हैं, थोड़ी सी टेढ़ी होकर खींच रही होती है, और मैं अक्सर अपनी कजन्स को छेड़ रही होती हूँ कि यार ये कौन सा तरीका है टेढ़े होकर तस्वीर खिंचवाने का ना। सब वो थोड़ी सी टेढ़ी हुई होती है, एक कंधा शो हो रहा होता है, एक साइड हेड की शो हो रही होती है, और मैं उनको कहती हूँ यार ये कौन सा तरीका तस्वीर खिंचवाने का, मतलब अगर आपने पिक लेनी है तो जरा सीधे होके खड़े होकर पिक लो ना। तो आजकल भी यही चल रहा है जो फैशन में है। तो अब ये वहीं पे वो बता रहा है कि प्रैक्टिस टू लिफ्ट, यानी कि वो बड़े आर्टिफिशियल मीन से स्पीच करने की कोशिश करती है, बात करने की कोशिश करती है, और वो बड़े पोस्चर ऑफ मोडेस्टी में जो है she always hang her head in an affected posture of modesty. ठीक है, अफेक्टेशन दिखाइए ना। अफेक्टेशन किसे कहते हैं? एक्ट इंटेंट टू इम्प्रेस। ठीक है, यानी कि अफेक्टेशन कहते ही एक ऐसे एक्ट को कहते हैं जो कि हम इंटेंट करते हैं ताकि हम दूसरों को इम्प्रेस कर सकें। तो ये अफेक्टेशन है। एक खातून है जो कि केव ऑफ स्प्लीन में है, उसको बयान किया जा रहा है। फेड्स इनटू एयर एंड लैंग्विशेस विद प्राइड। अब ये क्या है? फेड्स इनटू एयर, यानी कि ये जो है फेंट होती है एयर में। She sometimes falls into fits of swooning. और उसके बाद क्या है? And languishes with pride, or then pretends to be as delicate and fragile as to seem. मतलब यहाँ पे वो क्या कहते हैं? And languishes with pride on the rich quintessence with becoming good. ठीक है, और वो लैंग्वेज है यानी कि पिंड है वो प्राइड के साथ, ऑन रिच क्विड सेंस इज बिकमिंग वो। और जब भी उसको गुस्सा आता है तो वो रिच क्विड के अंदर दब जाती है। जैसे अक्सर लड़कियों को रोना आता है, सीधा बेड की शामत आ जाती है, बेड और सराहने की शामत आ जाती है, बस उस सराहने के अंदर मुंह देती है और रोना शुरू कर देती है। ऐसे ही होता है। रैप इन अ गाउन फॉर सिकनेस, और वो हर वक्त गाउन में रैप हुई रहती है और हर वक्त वो सिकनेस शो करती रहती है। एंड फॉर शो The fair ones feel such as melodies. Melodies कहते हैं illness को, और इस तरह की जो fair ones होती हैं वो हर वक्त illness जो है अपने अंदर feel करती रहती हैं, हर वक्त अपने आप को वो बीमार तस्वर करती हैं। When each new night dress gives a new disease, और वो daily एक new dress change करती हैं और उनका हर new dress जो है वो new disease को portray करता है। A constant vapor over the palace of life. ठीक है, अब एक कांस्टेंट वेपर आता है जो कि पैलेस ऑफ लाइफ के ऊपर से आता है। अब कांस्टेंटली इन अ प्लेस ऑफ वेपर फ्लोट्स स्ट्रेंज फैंटम्स कहते हैं इल्यूजंस को। ठीक है, अजीब सी इल्यूजंस होती हैं। राइजिंग एज द मिस्टराइज, जैसे ही मिस्टराइज होती है तो अजीब किस्म की कुछ वेपर्स जो है वो भी राइज होना शुरू हो जाते हैं। ड्रेडफुल एज हर्मिट्स ड्रीम्स इन हॉन्टेड शेड, ये इतने ही ड्रेडफुल हैं एज हर्मिट स्प्रिंग, जैसे कि कोई गोस्ट का फिगर होता है। ठीक है, हर्मिट कहते हैं किसी डरावने खाब को। इन हॉन्टेड शेड, यानी कि जैसे किसी इवल स्पिरिट की वजह से कोई आपको डरावना खाब आता है या आप डर जाते हैं। और ब्राइड एज विजन्स ऑफ एक्सपायरिंग नाइट, और या वो जो है कोई ऐसा मतलब नाइटमेरिश ड्रीम होता है ऑफ हर्मिट स्लीपिंग इन अ केव हॉन्टेड बाय इवल स्पिरिट और समथिंग दे हैव डेजलिंग ब्राइट अपीयरेंसेस, मतलब कोई ऐसी ब्राइट अपीयरेंसेस उसके सामने आना शुरू हो जाती हैं। एज विजन ऑफ एक्सपायरिंग नाइट लाइक द डिवाइन विजन ऑफ टाइम, मतलब कोई स्पिरिट आना शुरू हो जाता है उनके सामने जैसे कोई डिवाइन मेड होती है। नाउ ग्लेरिंग फिएंड्स कहते हैं डेविल्स को या दुश्मनों को। अब वो जो ग्लेरिंग फिएंड्स हैं, डेविल्स एंड स्नेक्स और रोलिंग स्पायर्स, अब ये स्केल ऑफ स्क्रीन की बात कर रहे हैं कि वहां पे कुछ फिएंड यानी कि कुछ डेविल्स और स्नेक्स जो हैं वो भी रेंग रहे होते हैं। पेयर स्पेक्टर, गैपिंग टॉम्स एंड पर्पल फायर। पेयर स्पेक्टर उन बुरे लोगों को कहा जा रहा है, उन बुरी खवातीन को कहा जा रहा है जो कि इतनी थिन हो गई है कि वो स्पेक्टर बन गई है, यानी कि स्पेक्टर कहते हैं किसी जिन भूत की तरह का हो जाना। ठीक है, वो टोटली बुरी होके वो पेल स्पेक्टर बन गई हैं। और गैपिंग जो है यानी कि पेल गोस्ट पर उनकी कुछ लुक ऐसी होगी जैसे कोई पेल गोस्ट होते हैं सम, और कुछ गैपिंग टॉम्स की तरह हो गई हैं, कुछ यानी कि ओपन ग्रेव्स की तरह हो गई हैं, कुछ पर्पल फायर्स यानी कि कुछ सम लुक फ्लेम्स ऑफ अननेचुरल डीप रेड कलर, कुछ अननेचुरल डीप रेड कलर के फॉर्म में हो गई डिप्रेशन है, इतना सारा कुछ है। बेसिकली ये जो इंसान का गम है ना, ये बूढ़ा कर देता है। जो लोग हर वक्त परेशान रहते हैं, अच्छी सोच नहीं सोचते, पॉजिटिव रहने की कोशिश नहीं करते, अल्टीमेटली ये जो दिमाग की नेगेटिव सोच है ना, वो उनके ऊपर तारी होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, वो जो खाली दिमाग होता है खतरा जान होता है। ठीक है, तो नाउ लेक्स ऑफ लिक्विड गोल्ड, एलिशियन सीन। अब जो है वो जो लिक्विड गोल्ड है ना, मोल्टन गोल्ड है। सम अदर्स लुक लाइक मोल्टन गोल्ड प्रेजेंटली हेवनली। ठीक है, वो बिल्कुल मोल्टन गोल्ड यानी कि बहुत ज्यादा हेवनली लगती हैं। एलिशियन सीन, एलिशियन सीन यहाँ पे ना पैराडाइज को कहा जाता है। वो इस तरह की मोल्टन गोल्ड है जैसे प्रेजेंटली प्रेजेंटिंग हेवनली, कुछ heavenly सी पैराडाइज सी लग रही है। एंड क्रिस्टल डोम्स एंड एंजल्स इन मशीन और कॉज सस्पिशियंस व्हिच नो सोल वाज रूट्स प्रैक्टिकल लाइक पैलेसेस मेड ऑफ प्योर ग्लास। ठीक है, और वो कुछ इस तरह से लग रही है जैसे कुछ क्रिस्टल डोम्स होती हैं। एंड एंजल्स इन मशीन, और कुछ वहां पे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई हेवनली मशीन होती है। अब हर्मिट जो है ना, बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ हर्मिट। हर्मिट कहते हैं अकेलेपन का मोहताज हो जाना। ठीक है, और यहाँ पे जो हर्मिट है वो किसके यूज हुआ है कि वो कोई एवल स्पिरिट है। ठीक है, एवल स्पिरिट है, इंसान की सोचों पे हावी हो जाता है। दूसरा यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एलिशियन सीन। एलिशियन कहते हैं कि एक पैराडाइज को जो हम अपने ख्यालों में एक आइडियल वर्ल्ड बना देते हैं, और उसके कोई क्रिस्टल डॉन्स होते हैं और एंजल्स इन मशीन, यानी कि अब वहां पे इंसान अपने दिमाग में एक आइडियल वर्ल्ड बना लेता है। ठीक है, और जब वो उस आइडियल वर्ल्ड को नहीं पा पाता तो फिर क्या होता है, वो जो हर्मिट ड्रीम्स होते हैं वो उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं। वो एक अकेलेपन का शिकार हो जाता है और फाइनली वो डिप्रेसिंग मूड में आ जाता है। अब यहाँ पे इन सारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कभी एक्सपायरिंग मेट्स कहा जा रहा है, कभी उनको फिएंड्स कहा जा रहा है, उन्हीं को स्नेक्स कहा जा रहा है, उन्हीं को पेयर स्पेक्टर कहा जाता है। इन्हीं डिप्रेसिंग खवातीन जो हैं उन्हीं को पेयर स्पेक्टर कहा जा रहा है, उन्हीं को गैपिंग टॉम्स कहा जा रहा है। यानी कि इन खवातीन के ऊपर सटायर है कि समटाइम एक बहुत बड़ा सटायर ये भी है कि बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में इतनी तकलीफ होती नहीं है जितनी हम खुद बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो दर्द बार बार होते हैं ना, वो मोस्टली डिजीजेस हवा से नहीं होती, मोस्टली डिजीजेस हमारे गम की वजह से होती है। ठीक है, अगर हम अपने गम के ऊपर कंट्रोल कर लें तो हमारी बहुत सारी बीमारियाँ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे सारा जो ड्रीम ऑफ हर्मिट जो है वो डिनोट कर रहा है सैडनेस को, लॉन्लीनेस को, कॉज बाय द अनफेथफुलनेस ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, इसको कहते हैं हर्मिट ड्रीम को। और ये जो एलिशियन सीन है इसको कहते हैं डिजायर टू विथड्रॉ ऑफ लाइफ एंड पीपल, कि हमारी एक डिजायर है कि वो स्प्लीन को क्या क्यों कहा गया वहां पे, हर वो औरत जो कि जिंदगी से तंग आ गई है, लाइफ और पीपल से तंग आ गई है, वो वहां से दूर होके वो स्केव और स्प्लीन में जाके बना लेती है। ऐसी खवातीन को, ऐसी चिड़चिड़ी और अकेलेपन की मुहताज खवातीन को बेसिकली ये हर्मिट ड्रीम जो है ये पोर्ट्रे कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। Unnumbered throngs on every side are seen. ठीक है, unnumbered throngs यानी कि throngs कहते हैं crowds को, on every side। अच्छा जी बेटा, इन लाइंस की कुछ समझ आई है। एलिशियन सीन के साथ इन्होंने क्यों केवो स्प्लीन को कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है? एक्चुअली एलिशियन सीन क्या है? इंसान की ख्याली और इमेजिनेटिव वर्ल्ड है। इंसान दुनिया में रह के जन्नत का तसव्वुर करता है, जब उसको वो जन्नत नहीं मिलती तो फिर वो रोता है। ठीक है, बेसिकली ये दिखाया है कि हम दुनिया में रह के हम हर वो ख्वाहिश करते हैं तो जो शायद हमें जन्नत में मिलनी होती है, हालांकि दुनिया तो दुनिया है, और जब हमारी वो आइडियल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड के साथ क्लैश कर जाती है तो फिर हम रोते भी हैं, हम एंग्जाइटीज में भी जाते हैं, हम लॉन